फिदा होगा, फिदा होगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा। अपनी नौकरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नौकरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नौकरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अप्रेंटिस महाराज नौकरी का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। करना अप्रेंटिस का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारतीय जनता अप्रेंटिस संघ कहता है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय अप्रेंटिस संघ कहता है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय अध्यक्ष संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने छात्र शामिल है? क्या वैकेंसी तो इनके पास बहुत है, 9000 वैकेंसी रिक्त पद है, चाहे तो इजी है लेना इनको, लेकिन ले नहीं रहे। दिक्कत क्या है उसमें सर? ये बताइए कि आपके साथ अभी कितने छात्र हैं जो दिल्ली जाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन आपके साथ कर रहे हैं? जी दिल्ली सर मेरे साथ कम से कम 2 लाख से ऊपर लड़के लोग दिल्ली जाएंगे, पूरा हर डिपार्टमेंट लोग, जिसमें जो हमारे नेवी डक यार्ड का लड़के लोग शामिल रहेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती होती क्या करने आगे अगला कदम क्या होगा आपका, ये बताइए? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन तो करेंगे ही, डक यार्ड के समक्ष धरना देंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से सीधा दिल्ली कूच करेंगे। नवल डक यार्ड के पूरे अप्रेंटिस लोग रहेंगे, रेल करेंगे, बेल करेंगे, सेल करेंगे, कोल करेंगे, थर्मल करेंगे, इसी तरह ऑल ओवर अप्रेंटिस। क्योंकि मैं रांची भी गया, झारखंड, धनबाद भी गया, कलकत्ता भी कोल इंडिया गया घेरने के लिए, वहाँ भी एहसासन मिला है। अभी से बड़ा आंदोलन चल रहा था कोल इंडिया में, अब यहाँ भी चलेगा। ये सबको एकत्र करने में मैं लगा पूरे एक साथ से। कोरोना काल नहीं आता तो शायद ये संघर्ष बहुत पहले हो जाता और शायद नौकरी इनको लग जाती, ये मेरा अनुमान था, पर एक साल लेट हो गया। तो सबको लेकर मैं दिल्ली चल रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है, इसलिए हम प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे हम नेवी डक यार्ड के अधिकारी और मैनेजमेंट को हम बताना चाहते हैं, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, केंद्र सरकार निवेदन करना चाहते हैं कि अप्रेंटिस को जल्दी से जल्दी नौकरी प्रदान करें, इसका अधिकार है नौकरी में। और अगर ज़्यादा दिन लेट करेंगे तो हमारे लड़के लोग का एज पार हो जाएगा, एज पार हो जाएगा तो यही मैनेजमेंट बोलेंगे भाई इसका एज पार हो गया, कोई वैकेंसी निकलेगा तो, अगर वैकेंसी निकलता है उसमें जो एज पार वाली बात अप्रेंटिस कर लिए हैं तो सारे अप्रेंटिस को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन से उसका नौकरी का ज्वाइन हम मानते हैं जिस दिन से वो ट्रेनिंग शुरू किया है। एज लिमिट इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। कितने छात्रों को नौकरी नहीं मिली है? इसमें करीबन 4-5 हज़ार लोग जो हैं मुंबई डक यार्ड में, उसमें नहीं मिला है। 2014 के बैच वाले से इधर किसी को नहीं मिला। कौन कौन से एज से स्टार्ट होता है और कहाँ तक उसका एज लिमिट है उनका? एज लिमिट सर गवर्नमेंट के में तो आप जानते हैं, अगर कैटेगरी मिलता है 35 तक भी चला जाता है, अगर कैटेगरी में अगर नहीं आता जनरल का तो बहुत कम रहता है। लेकिन सवाल इस बात का है 22-23 साल से शुरू कराते हैं अप्रेंटिसशिप का, लेकिन उसका एज लिमिट रहता है 35 से। अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो कई लड़के तो लास्ट टाइम पर अप्रेंटिस करते हैं, ये 28 साल हो गया, 27 साल हो गया, तो 4-5 साल दे जैसी खत्म हो जाएगी। आज कितने साल से अप्रेंटिस जो है अपना संघर्ष में लगे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली कितने साल हो गए? देखिए एक्चुअली जो है नवल डक यार्ड में संघर्ष कहो तो इस तरह से संघर्ष हमें अब शुरुआत होगी। रेलवे में कोयला में कितने साल से उनको नौकरी नहीं मिली है? 7 साल वो अप्लाई कर रहे हैं। क्या है ट्रेनिंग जो किए 2014 के बाद अभी 7 साल हो गया है, वो लोग घर में बैठे हैं ट्रेनिंग करने के बाद, और आज भी कंटिन्यू अप्रेंटिस ले ही रहा है। रक्षा मंत्रालय से इस संदर्भ में कुछ बातचीत हो गई? नहीं उनसे बात नहीं हुई, हमारे रक्षा मंत्रालय से बात नहीं हुई है, पर हम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत करने के बाद सारे लड़के जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मोदी जी के दफ्तर जाएंगे, हमारे राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर जाएंगे, उद्योग मंत्री उनके दफ्तर जाएंगे, क्योंकि सारा ये भारत सरकार के सिस्टम में अप्रेंटिस हैं, और वहीं से आप जो है इसको लेने के बात कहिए। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य एक ही है कि नवल डक यार्ड मुंबई में हमारे लड़के लड़कियाँ अप्रेंटिस की 2013 बैच से लेकर के आज तक किसी अप्रेंटिस को नौकरी नहीं दी, जबकि ये अप्रेंटिस जो है अधिकार क्षेत्र में पहले पूर्व में अप्रेंटिस कराने के बाद सबको नौकरी मिलती थी, लेकिन ये 2013 के बाद नवल डक मुंबई में किसी अप्रेंटिस को रखा नहीं जा रहा। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि इन अप्रेंटिस को नौकरी के लिए इनके पास जगह पर्याप्त है, इन पर्याप्त जगह में मेरे अप्रेंटिस भाई बहन को सबको लेना चाहिए, नौकरी में रखना चाहिए, ये उद्देश्य हमारा। बस एक मुद्दा है भारतीय अप्रेंटिस संघ का,
एक ही मुद्दा है कि नवल डाका अप्रेंटिस को नौकरी मिलना चाहिए। देखिए हम तो रास्ता अपनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसे नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली में जाएंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अप्रेंटिस वाले जाएंगे दिल्ली, जिसमें नेवी वाले भी साथ में रहेंगे हमारे साथ में, सबका मुद्दा छेड़ा जाएगा दिल्ली में ही। मेन भारत सरकार के सिस्टम में अप्रेंटिस है, स्टाइपेंड वो भेजते हैं, ट्रेनिंग वो कराते हैं, उनका उद्योग है और हम भारतीय अप्रेंटिस हैं, भारत के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र रखने वाले हैं, पूरा नेवी में अधिकांश लड़के महाराष्ट्र के हैं। यहाँ तो यहाँ इतना बड़ा संस्थान होने के बाद, संस्थान होने के बाद अप्रेंटिस के अगर नौकरी नहीं लगेगा तो संस्थान बताइए आप कुछ में चलाएगा, ठेकेदारी में चलाएगा, जिनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है।